मध्य प्रदेश में जिला अस्पतालों की हालात किसी से छुपी नहीं है। अस्पतालों में मरीजों का हाल बेहाल है। डॉक्टरों और स्टाफ की कमी के चलते लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। शिवपुरी जिला अस्पताल का हाल भी कुछ ऐसा ही है। शिवपुरी के इस जिला अस्पताल में बिस्तर पर लेटे मरीज डॉक्टर के आने का इंतजार कर रहे हैं। ये इंतजार कभी कभी घंटों लंबा भी हो जाता है। अस्पताल में मरीजों की संख्या बहुत ज़्यादा है, जबकि डॉक्टरों की संख्या कम। भले ही करोड़ों की लागत से जिला अस्पताल की बिल्डिंग चमकदार और नई बना दी गई हो, मगर मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधा अभी तक मुहैया नहीं हो सकी। उन्हें आज भी इलाज के लिए दूसरे शहरों में जाना पड़ता है। अपना नाम बता दो सर। मेरा नाम नरेंद्र नाम जी। क्या शिवपुरी में पेट के डॉक्टर का इंतजाम है अस्पताल में? नहीं है साहब, कोई इंतजाम नहीं है। तो आपके जो चिर परिचित होते हैं वो पेट के इलाज के लिए, न्यूरो के इलाज के लिए और किडनी के इलाज के लिए कहाँ जाते हैं और क्या व्यवस्था है यहाँ पे जिला अस्पताल में? यहाँ सर इसकी पेट से संबंधित कोई इलाज की कोई व्यवस्था नहीं है, उसके लिए ग्वालियर भेजती हैं। और दूसरी बीमारियाँ जो मैंने पूछी उनके बारे में बताएं? उससे संबंधित भी कोई नहीं सर, किडनी का कोई इलाज नहीं है, पेट से संबंधित कोई इलाज नहीं है सर ग्वालियर के। आलम यह है कि अस्पताल में स्पेशलिस्ट डॉक्टर के 4 पद खाली है। इसके अलावा स्त्री रोग विशेषज्ञ के 3 और शिशु रोग विशेषज्ञ के 6 पद खाली है। अस्पताल के दूसरे अधिकांश विभागों का हाल भी कुछ ऐसा ही है, जहां रेडियोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट और ENT जैसे कई विभागों में स्वीकृत 25 से ज़्यादा डॉक्टरों के पद खाली ही पड़े हुए हैं। यही कारण है कि स्थानीय लोगों में सरकारी अस्पताल को लेकर नाराजगी है और वो भी अच्छी स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिलने की बात कह रहे हैं। बता दीजिए सब नितिन जैन, यहाँ पे डॉक्टरों का क्या इंतजाम है? पूरी डॉक्टरों का कोई इंतजाम नहीं है। जब भी कोई केस पहुँचता है तो सीटर ग्वालियर के लिए रेफर कर दिया जाता है। यहाँ पे ना तो किडनी का कोई डॉक्टर है, ना कोई हार्ट का डॉक्टर है और ना गैस से रिलेटेड कोई डॉक्टर। बताया जाता है कि जिला चिकित्सालय के वाले दावा कर रहे हैं कि हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत बेहतर हैं। कुछ बेहतर नहीं है, जाके देखें क्या हालत हो रही है। डॉक्टरों की कोई मिलता नहीं है, मिलता तो सर ट्रीटमेंट नहीं है। क्या न्यूरो की बीमारी वाले लोग क्या करते हैं? कुछ नहीं करते, ग्वालियर रेफर कर देते हैं, मशीन लगा रखी है, कोई मतलब की नहीं है। बात यही खत्म नहीं होती, बल्कि नर्सिंग और वार्ड बॉय स्टाफ में 100 से ज़्यादा स्वीकृत पद खाली पड़े हुए हैं। ये बात जिम्मेदार अधिकारी भी जानते हैं। उनका कहना है कि वो कम स्टाफ में भी अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं, मगर जिला अस्पताल के लिए तय मानक में न्यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी और गैस्ट्रोलॉजी से संबंधित बीमारियों के डॉक्टरों के